হাই মাই লাভস, আজি এটা একদম হাটকে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই এখন হস্পিটেলত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে মই হামলা কৰিম। আৰু চবতকৈ বঢ়িয়া কথা কি জানেনে, অসমে বুজি নাপায়, সেইকাৰণে মস্তি কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ। এগৰাকী ডক্টৰ হয়, তেখেতৰ নাম হ'ল ডক্টৰ মায়ংক। তেখেত হলিষ্টিক থেৰাপী এণ্ড নেচুৰোপেথীৰ ওপৰত কাম কৰে। ইণ্ডিয়াৰ বহুত কেইখন ঠাইত তেখেতে অলৰেডি ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড কৰিছে, ৱৰ্কশ্বপ কণ্ডাক্ট কৰিছে। আৰু মই বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমত তেখেত যাওক আৰু আপোনালোকৰ লগত ইণ্টেৰেক্ট কৰক। আপোনালোকৰ লাইফত কি কি প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক তেখেতৰ লগত। এণ্ড আই হোপ আপুনি হেল্প পাব তেখেতৰ পৰা। আজি মই তেখেতৰ লগত এটা ছেশ্যন ল'ব আহিছোঁ আৰু তেখেতে আপোনালোকক গাইড কৰিব, আপোনালোকক জনাব হলিষ্টিক থেৰাপী কি হয় আৰু নেচুৰোপেথী কি হয়, আৰু বাকী যিবোৰ থেৰাপী আছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পিছত ক'ম, মই ডিছক্ৰাইব কৰিম ভালকৈ। এতিয়া আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতি লওঁ, আহকচোন। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হয় ডক্টৰ মায়ং। হাই ছাৰ। ছাৰ আমি হামে বতায়েঙ্গে হলিষ্টিক থেৰাপী এণ্ড নেচুৰোপেথী কে বাৰে মে, তো আপ উনসে सुन लीजिए। बेसिकली होलिस्टिक थेरेपी क्या है कि बिना दवाई के इलाज, ये ऐसी हर्बल चीज़ें जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनसे इलाज। अब जैसे हमने बात की नेचुरोपैथी के बारे में, तो नेचुरोपैथी में क्या है कि जो पंच तत्व हैं, पांच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है, तो उन्हीं के डिसबैलेंस से बीमारियाँ आती हैं। उन्हीं के डिसबैलेंस को अगर हम बैलेंस करते हैं, और वो हम कैसे करेंगे, फूड से, पानी से, पानी से करने वाली जो थेरेपी है जैसे हाइड्रोथेरेपी है, अब मिट्टी जो तत्व है उससे हम मठ थेरेपी करते हैं, ऐसे नेचुरोपैथी में दूसरी थेरेपीज करके साथ के साथ जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो हमारा फूड। क्योंकि हम जो खाते हैं, और हम एक कहावत है हिंदी में कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और वैसी ही ये बॉडी बनेगी। तो आप जैसा खाना खाएंगे वैसे ही शरीर में आपकी बीमारियां आएंगी, तो उनको अगर आपको ठीक करना है तो अपने खाने पीने को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब इसकी सबकी हेल्प के लिए हम कुछ दूसरी ऐसी थेरेपीज करते हैं जिनसे रिजल्ट बहुत जल्दी से और तेजी से आए। जैसे उसमें एक ऑरिकुलोथेरेपी, एक्यूप्रेशर आज सब लोगों ने सुना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर का फायदा उठाया है। तो ये ऑरिकुलोथेरेपी जो है वो एक्यूप्रेशर का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या करते हैं कि जो कान है, मेडिकल साइंस में इस कान को ऑरिकल बोलते हैं, और ऑरिकल पे की जाने वाली जो प्रेशर बेस्ड थेरेपी है वो है ऑरिकुलोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक पीतल या स्टील की जिमी रहती है, और इसके अलावा ये रहते हैं सीड्स। इन सीड को हम इस जिमी से कान पे हम इसको टच करके पता करते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है, पेशेंट से बात करके और अपने खुद के डायग्नोस से हम प्रॉब्लम का पता करते हैं, और उसके बाद हम ये सीड्स वहाँ पे लगाते हैं। ये सीड्स 5 से 7 दिन रहते हैं, इनको फिर पेशेंट को या क्लाइंट को क्या करना होता है, हल्का हल्का इसको दबाना रहता होता है, फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम क्योर होने लगती है। इसके अलावा दूसरी थेरेपीज में जो करता हूँ उसमें हम कपिंग करते हैं। कपिंग में क्या रहता है कि इस तरीके के सिलिकॉन के, फाइबर के, प्लास्टिक के कप्स रहते हैं, और इस ये पंप रहता है, तो इससे हम उनको वहाँ पे लगाते हैं और उससे भी प्रॉब्लम को क्योर होती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे अच्छी जो थेरेपी वो ये कपिंग थेरेपी है। इसके अलावा फूलों के रस से भी हम इलाज करते हैं, वो बेस्ट फ्लावर थेरेपी है। उसमें 38 तरीके के फूल हैं, उनके अर्थ से, उनका जो रस है उससे हम लोगों की मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और जो थेरेपी मैं करता हूँ वो है क्लींजिंग थेरेपी, बॉडी का ऑर्गन का क्लींज करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो आसान हर्बल चीज़ों से हो सके, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, वो भी हम अपने लोगों को गाइड करते हैं जिससे वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। सर, अगर जैसे किसी को ये कोर्स करना हो तो क्या लिमिट है, मिनिमम मैक्सिमम टाइमिंग? देखिए, जैसे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टाइमिंग्स हैं। जैसे कपिंग आप 1 महीने में 2 महीने में सीख सकते हैं, और एक लोग आप 2 से 3 महीने में अच्छे से सीख सकते हैं। नेचुरोपैथी में 1 साल से लेके 3-3 साल पूरा डिप्लोमा से लेके डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जैसा आपके पास समय है, आपको जिस तरीके से, अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है तो आप नेचुरोपैथी में 3 साल का पूरा BNYS होता है, बैचलर डिग्री होती है, वो करना चाहिए। उससे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करें तो आपको अच्छी, इसमें आजकल गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा है नेचुरोपैथी में, जिससे अच्छी जॉब्स वगैरह भी इसमें आई है, तो आप इसमें नेचुरोपैथी में अच्छा एक करियर बना सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी थेरेपीज है, इनके आप 3 से 6 महीने कोर्स करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और सर, मैं चाहती हूँ आप असम आओ एक बार।
गुवाहाटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप लोग और असम के लोग अगर हमें मौका देंगे, मैं पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जाता भी हूँ, मैं राजस्थान रेगुलर जाता हूँ, यूपी में कई जगह जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, हम बेंगलोर जाके आते हैं और गोवा भी हम लोग एक दो बार गए हैं, तो अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल जो संस्थाएं हैं, वो लोग बुलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग अपने जाके काम करते हैं, और कोशिश करूंगी आपको ले आऊं। और बहुत ज्यादा फायदा लोगों को हुआ है, अल्सर है, किडनी डायलिसिस है, लीवर के ट्रांसप्लांट के केस में भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले, और थायराइड हो गया, ये डायबिटीज है, विटामिन डी, ये सब जो लोकल कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, इनको भी हम बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में थी, हम उनको भूल गए हैं और अपने कल्चर से दूर हो गए, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है, जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रही है। तो मैं यही बोलूंगा जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी अब ये वीडियो देखेंगे, कि अपने खुद के कल्चर पे अपनी होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो आपको बीमारियों के लिए दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले तो बीमारी नहीं पड़ेंगे, अगर फिर भी पड़ते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत मिनिमम खर्चे में ठीक हो जाएंगे। आज छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लाखों रुपए की दवाइयां खाते हैं, वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मॉडर्न मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों को बताते हैं, और कोरोना जो गया उसमें भी हमने देखा कि छोटी छोटी चीजों करके लोगों ने घर पे ही ठीक किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। काढ़ा पिया मैंने, दूध पीते हैं या तुलसी है, हल्दी है, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन इनके साथ क्या है कि कैसे यूज करना है, क्या ये नॉलेज आपको होना जरूरी है, कि कई बार ये काढ़ा वगैरह नुकसान भी कर सकते हैं अगर हमने गलत तरीके से, तो ये जरूर है। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। এটা আমি অরিকুলোথেরাপি করাব ওলাইছো, আপনার চাও কেনে করায় আপনার শেয়ার করবো ওলাইছো, লেফট কান মে করতে পেলে থা বহুত বার, বহুত ইফেক্টিভ হ্যাড রিয়েলি বেনিফিশিয়াল, आपकी बॉडी के जो पेन है ना, यस, सर को टच करके पता लग जाता है कि कहाँ पेन है। बॉडी में जहां जहां इश्यूज है उसके अकॉर्डिंग सर ये पॉइंट्स पे ये चिपका देंगे, बेसिकली प्रेशर अप्लाई करना होता है। नींद बहुत अच्छी आती है सर, लास्ट टाइम मैं बहुत सोई हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं नींद के लिए लगा रहा हूँ। हाँ, नींद लगा, एंजाइटी, नींद, यस। आईबीएस के लिए, हाँ आईबीएस, पैनिक बॉय, पैनिक अटैक, যদি আপুনি বিচাৰিছে হলিষ্টিক থেৰাপি ল'বলৈ তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, মই এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰাব বিচাৰিছোঁ আসামত, এণ্ড ছাৰে হেল্প কৰিব। আপুনি ভাবক আমাৰ, হাঁ কমৰ হে লেফ্ট ছাইড, उसमें वो है ऑस्टियोफाइट्स बढ़ गया है, बोन बहुत पेन है, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसको कराओ, देखो एक बार लाइफ में कैसा लगता है ऑरिकलोथेरेपी। बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट यस अब लोग जान जाएंगे। हाँ देखो ना, मेरे भी जो दो लोग हैं उधर, तो कुछ लोगों को जानता हूँ, उनको बेस तो लगा, इनकी से भी हेल्प ली, ठीक है। और मैं कभी ना
तो ये पॉइंट्स लगाए इनको हल्के हल्के हाथ से दबाते हाँ सबको ना आईबीएस पैनिक एंजाइटी ओसीडी लगाए नींद ओके ग्रेट थैंक यू सो मच साफ এতিয়া মই দেখুৱাব বুলাইছো এনেকে কানত বেলেগ বেলেগ ঠাইত এনেকে গুটি দি পেলাই প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰি পেলাই এনেকে লগাই দিছে এইটোৱে বেচিকেলি আমাক এটা প্ৰেছাৰ পইণ্ট হি কৰিছে আৰু মানে ফাইভ ডেইজ নে ছাৰ পাঁচ দিন বাদ মতলব পাঁচ দিন পিছত আৰু মই আহিব পাৰিম ছেকেণ্ড যিটো হেৰি হ'ব মোৰ ছেশ্যনটো চ' এনেকে লগাই ঠিক আছে মই সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকক মই অকণমান অসমীয়াত কওঁ আপোনালোকক যিটো অৰিকুলোথেৰাপি তাত কি হয় আমাৰ কাণৰ যিটো এক্সটাৰ্নেল এৰিয়া আছে তাত কিছুমান চিল মানে গুটি এনেকৈ আঠা লগাই থৈ দিয়া যায় এইকেইটা প্ৰেছাৰ পইণ্ট একচুৱেলি আৰু কি হয় যদি আপোনালোকৰ বডিত পেইন আছে আৰু বডিত কিবা ইছ্যুজ আছে হেল্থ ইছ্যুজ সেয়া লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব চ' এই থেৰাপিটো মই নিজেই কৰিছোঁ আৰু খুবেই বেনিফিচিয়েল হয় সঁচাকৈ ইফেক্টিভ হয় আৰু যিটো বেড ফ্লাৱাৰ থেৰাপি তাত কি হয় ফ্লাৱাৰ আৰু বাকী যিবোৰ প্লেণ্ট আছে তাৰ ৰসেৰে এটা থেৰাপি উলিওৱা হয় আৰু সেই থেৰাপি আপোনালোকে খাব লাগিব আৰু বডি ডিটক্সিফিকেশ্যন হ'ব বডিৰ পৰা বেয়া বস্তু ওলাই যাব আৰু যিটো কাপিং কাপিঙত কি হয় কাপ ইউজ কৰা যায় স্পেচিয়েল কাপ এনেকুৱা এই কাপ ইউজ কৰি আপোনালোকৰ বডিত প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু বডিৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন যিটো ব্লাড ফ্ল' আছে সেয়া ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু বডিৰ প্ৰব্লেমবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব চ' এই থেৰাপিকেইটা খুবেই ভাল হয় খুবেই বেনিফিচিয়েল হয় আমি চবেই এলোপেথিক আৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যাওঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যদি আপুনি অকণমান মানে আগৰ পুৰণি দিনৰ যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট আছিলে যিবোৰ টেকনিক আছিলে সেইবোৰ যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে সেয়া বেছি লাভদায়ক হ'ব আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু মই ট্ৰাই কৰিম ছাৰ ডক্টৰ মায়ংকক আমাৰ গুৱাহাটীলৈ ইনভাইট কৰিবলৈ চাওঁ মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই গীতাঞ্জলি আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰে সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাভ ইউ অল